नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने एसएससी जीडी 2024 के लिए एग्जाम दिया है, आंसर की चेक कर लिए, बहुत सारे बच्चों के नंबर है, जितने इस बार कट ऑफ जाने उतने नंबर नहीं बन रहे, तो ऐसे में सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को एसएससी जीडी से कम कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो भाई, इस बार का जो सीआरपीएफ ड्राइवर और टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट है उसका रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी की तरफ से नया जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और अभी नया एग्जाम भी आप लोगों का नया जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका अगस्त में आने वाला है। तो इस वाली भर्ती का प्रोसेस अभी पूरा करना और ये सारा का सारा जो काम है ये सीआरपीएफ भी आप लोगों की करने वाली है। तो भाई, यहां पर जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन और ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट है जिसके आंसर की आ गई, अभी आप लोग इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट के समय आप लोगों का आपकी जो कट ऑफ आप लोगों की आएगी, जिसमें आप लोगों को पीटी और पीएचटी के साथ के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो भाई, यहां पर आप लोग अगर क्वालिफाई होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, तो यहां पर एसएससी जीडी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आती है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस आप लोगों का रहता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका ट्रेड टेस्ट भी होना है और ट्रेड टेस्ट भी आप लोगों का 50 नंबर का होता है। और भाई, ट्रेड टेस्ट में कितने नंबर आप लोगों को लाने होंगे, अभी आप लोगों ने रिटर्न दिया है, रिटर्न की आंसर की आपने चेक की है, लेकिन अभी आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा पीटी पीएचटी और ट्रेड टेस्ट के लिए, और ये तीनों चीजें आप लोगों की एक साथ होने वाली है। तो मिनिमम कितने नंबर पर इस बार सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन ड्राइवर के रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई किया जाएगा, इसको लेकर नोटिफिकेशन में इन सारी चीजों और कट ऑफ को लेकर क्या अपडेट दी गई है, कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और मिनिमम जो कट ऑफ का क्रिटेरिया है वो यहां पर कितना रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का आपका रिजल्ट आया था, जिसमें जिन बच्चों का मिनिमम कट ऑफ पे जिन बच्चों का नंबर था उन सभी बच्चों को यहां पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो क्यों यहां पर भी आपको मिनिमम नंबरों पर ही क्या सभी बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा और वो मिनिमम नंबर आपके कितने होंगे जिन पर आप लोगों को फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए यहां पर बुलाया जाएगा, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने नंबर आप लोगों को किन किन ट्रेडों में लेके आने पड़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई, यहां पर ओसवाल बुक्स की तरफ से जो भी बच्चा एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आ चुका है और बिल्कुल यहां पर आप देख सकते 25 आपको सोलवर्ड पेपर आपको मिल रहे और 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी सीएचएसएल के एग्जाम हुए उनके ओरिजिनल पेपर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो बच्चे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के, उनके लिए मैं बता दूं कि यहां पर आप लोगों के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए भी इसका काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट सोलवर्ड पेपर यहां पर आ चुका है, जिसमें बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चनों को एकदम बेसिक से और डिटेल से यहां पर सोलवर्ड किया गया है। तो भाई, इन दोनों बुकों का लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि भाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑन सीबीटी, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, मतलब आगे का जो प्रोसेस है जिसमें पीएचटी पीटी और ट्रेड टेस्ट ये सारी चीजें आप लोगों की होगी, ये आप लोगों के सीबीटी एग्जाम के आधार पर होगी, मतलब सीबीटी एग्जाम में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो यहां पर आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, जो भी बच्चे यहां पर शॉर्टलिस्ट होंगे या जो भी बच्चे जिन्होंने सीआरपीएफ के लिए अप्लाई किया है, भाई आप ट्रेड टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लेना, यहां पर जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होने वाला है, मतलब 100 नंबर का आप लोगों का रिटर्न हुआ था और 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा और ये वाला ट्रेड टेस्ट है ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे रिटर्न में आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर आप है सीबीटी एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होते हैं और अगर आप पीटी पीएचटी क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद में आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाता है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर पर, कितने नंबर मिनिमम आपके होने ही चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल और ट्रेड्समैन वाली पोस्टों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो जनरल में मिनिमम जो नंबर आपका 30% होना चाहिए, मतलब 100 में से अगर आप 30 नंबर भी लेके आएंगे तब भी आपको फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो 25 नंबरों पर आपको बुलाया जाएगा।
अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी तो 20 नंबर पे आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ वैकेंसी, कुछ ट्रेड आप लोगों की अलग से थी, जिसमें आपके कांस्टेबल पायोनियर विंग की वैकेंसी थी। अगर पायोनियर विंग के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहां पर आपका जनरल के लिए 35% और ओबीसी एससी और एसटी के लिए मिनिमम आपको 33% नंबर आपको लेके आना पड़ेगा। यह रहेगा आपका मिनिमम क्राइटेरिया। आपने देखा होगा हाल ही में हेड कोस्टल मिनिस्ट्री वाला जो रिजल्ट आया था उसमें मिनिमम नंबर पे ही बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। मतलब जिन्हीं बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिन बच्चों को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आए थे उन सभी के लिए, उन सभी को स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए यहां पर बुलाया गया था, मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो भाई यहां पर सीआरपीएफ भी आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाई नंबर पे इस बार आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला सकती है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग कितने गुना कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनको क्वालिफाई किया जाएगा पीटी और पीएचटी और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो भाई यहां पर इसको लेकर भी एक लाइन मेंशन की गई है, यहां पर लिखा गया है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द पीएचटी पीटी विल बी अप्रोक्सीमेटली एट टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेटों को यहां पर आप लोगों का फिजिकल और उसके साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो भी बच्चा फिजिकल पास करेगा उसका उसी दिन आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी ले लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं और ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही होगा क्योंकि यहां पर 50 नंबर का आपका ये ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इसके साथ ही बात करें तो भाई ये वाली वैकेंसी है इसमें एसएससी जीडी से कम कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और अगर एसएससी जीडी वाली भर्ती का प्रोसेस इस वाली भर्ती के प्रोसेस से पहले कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो आपको और भी कम कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने सीआरपीएफ का एग्जाम दिया था उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिया था और एसएससी में भी उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं और सीआरपीएफ में भी अच्छे नंबर बन रहे। अगर एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग पहले आ जाती है तो वो सारे बच्चे एसएससी में सेलेक्ट होकर चले जाएंगे, तो बाकी वाली जो वैकेंसी रहेगी वो आप लोगों के लिए रिजर्वेट रह जाएगी और यहां पर कट ऑफ पे काफी ज्यादा यहां पर असर आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी कम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी मैं रिजल्ट को लेकर अगर आपको अपडेट बताऊं तो भाई आप सभी को पता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो रिजल्ट है वो सीआरपीएफ जारी करने वाली है और फिजिकल का और ट्रेड टेस्ट का और मेडिकल का सारा प्रोसेस सीआरपीएफ खुद कंडक्ट करवाएगी और एसएससी जीडी का भी फिजिकल और मेडिकल का पूरा का प्रोसेस है वो सीआरपीएफ ही कंडक्ट करवाएगी। मतलब जो नोडल एजेंसी आपकी बनी है वो सीआरपीएफ ही बनी है और सीआरपीएफ अभी पहले एसएससी जीडी वाले प्रोसेस को पूरा करवाएगी। और मैं बता दूं क्योंकि अगस्त में नया रिक्रूटमेंट आ रहा है तो लगभग जून में इस वाली भर्ती का फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही फिजिकल एसएससी जीडी का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों का सीआरपीएफ वाले बच्चों का भी यहां पर फिजिकल को लेकर अपडेट और रिजल्ट आप लोगों के सामने जारी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आपने सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल का एग्जाम दिया है तो कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद में, और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन सी ट्रेड से आप लोगों ने एग्जाम दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।